खरगोन जिले में कोरोना संक्रमण जीरो करने के लिए प्रशासनिक महकमा हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी बीच महकमे ने बाहर से आने जाने वालों की सैंपलिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए शहर के विभिन्न मार्गों पर बाहर से आने जाने वालों की कोरोना जांच की जा रही है। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रियंका रावत ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके शासन के निर्देशों में सैंपलिंग की जा रही है। चेक पॉइंट पर ऐसा कोई पॉजिटिव वगैरह निकल रहे हैं? ज्यादातर नेगेटिव आया, पॉजिटिव अभी तक कोई केस नहीं मिला। कब तक जांच जारी रहेगी अपनी? अभी शासन के निर्देश है कि जब तक खरगोन में जीरो पॉजिटिव केस नहीं हो जाते तब तक सैंपलिंग जारी रहेगा। क्या अलावा कहाँ कहाँ मैडम जांच की जा रही है? अलग अलग एरिया में हो रही है, मार्केट एरिया में हो रही है, बड़े बड़े चौराहों पर हो रही है, जहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। क्या नाम मैडम आप? प्रियंका रावत, नायब तहसीलदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।